नमस्कार, आप सब लोग कैसे हैं। तो कुछ लोगों ने सोचा होगा कि यार संडे के दिन वीडियो क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने आप सभी को बताया था कि मंडे से लेके और सैटरडे तक हर रात को आपको 9 बजे वीडियो देखने को मिलेगा। लेकिन जो संडे का दिन है, संडे को हर रात को मैं 9 बजे लाइव जाता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन शो हो जाए। तो बस आप लोगों का मैं इंतज़ार करूँगा हर संडे के दिन, ताकि हम लाइव बात कर सकें। तो जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम लोगों ने किस तरह से प्रोजेक्ट मुस्कान के थ्रू बच्चों की हेल्प की, और बाकी आगे भी हमें बहुत कुछ करना है मिलके। पूरे भारतवर्ष में स्वतंत्रता दिवस बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया गया। हमने तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया और दिन तक काफ़ी सही रहा, पूरा मौसम से लेकर हर चीज़, इवन शाम के टाइम काफ़ी सारी जगह लाइट्स वगैरह लगाई गई, और चौराहों में बहुत सारी जगह पर इस बार जो स्वतंत्रता दिवस के गीत है वो लगाए गए थे। बहुत अच्छा लगा सुन के भी। कुछ नौजवान युवकों ने डिसाइड किया कि हम इस बार कुछ अलग करेंगे, और बहुत अच्छा लगा उन्होंने ये सारा इनिशिएटिव लिया। देखिए आप कि वो क्या कर रहे थे, आपको पता चलेगा इस वीडियो में। स्वतंत्रता दिवस के लिए खुशी के लिए रखा हुआ है। अच्छा अच्छा, चलो अच्छा है। तो आप इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? हाँ जी सर, हम हॉस्टल के स्टूडेंट हैं, हम बॉयज हॉस्टल हैं, सारे के सारे हॉस्टल में रहते हैं। अच्छा अच्छा, तो आज हमने मेरा नाम साहिल पाठक है, मैं जम्मू से बिलोंग करता हूँ, यहाँ मैं मास्टर पॉलिटिकल साइंस एम ए फोर्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। अच्छा अच्छा, आज़ादी के दिवस पर हमने एक छोटा सा इवेंट रखा है कि सबका मुंह मीठा कराया जाए और सबको बधाइयाँ दी जाए, शुभकामनाएं दी जाए। ठीक है, तो आप सभी देशवासियों को, आपको भी और मेरे सभी भाइयों को भी आज़ादी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। धन्यवाद। बट उसके बाद धीरे धीरे संभलना पड़ता है ना, तभी उसके बाद बहुत प्रॉब्लम हो जाती है भाई। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, चले तो अच्छे यार। मतलब ऐसा कुछ इनिशिएटिव आप लोग ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप सब लोग यहीं से हो कि अलग अलग जगह से? यहीं से हैं, अलग अलग जगह से हैं, जम्मू से भाई लोग। अच्छा अच्छा, हम यहीं से हैं, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में क्या बात है, सब जगह से आते हैं ना हॉस्टल में? हाँ जी, यार इंडियन यार, हाँ सारे लोग भी बाहर हैं, बाहर के बस एक दूसरे बनाए रखे, एक दूसरे का सम्मान करें, कल्चर का हर चीज का, वही बड़ी बात है। चलो बढ़िया भाई। क्या है कि पहले हमारी पीढ़ियां, जो पहले का टाइम था, उन्होंने क्या है कि बहुत कुछ देखा, भुखमरी देखी, वो देखा, तो उनका दिमाग में क्या था यार, पैसा पैसा। पहले आदमी की जरूरत थी, मेन था पैसा, कपड़ा, मकान। लेकिन अभी क्या है, उसके साथ साथ अब डेवलप, जैसे आपने सोचा कि चलो ये सब करते हैं, तो ये क्रमिक विकास है। और ऐसा सोच रहे हैं जो हमारे यूथ हैं, ये सब कर रहे हैं, इतना सब सोच रहे हैं, बहुत बड़ी बात। सर मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे जम्मू में ना, हाँ जी, कोई भी इवेंट होता है, ये तो 15 अगस्त का दिवस है, हाँ जैसे हम गांधी जयंती मनाते हैं, या फिर नागपंचमी का हो गया, होली, दिवाली, इस किसी भी इवेंट पे, तो हम क्या करते हैं, प्रसाद, आलू बटवाएंगे, पूरी बटवाएंगे, छोले बटवाएंगे, हलवा बटवाएंगे, जो भी खीर बटवाएंगे, तो ये सब हमारे वहाँ पे बहुत सारा कॉमन है। यहाँ ये चीज मैंने थोड़ी नहीं देखी, क्योंकि हम किसी को रोक रहे हैं, उनको ये शौक लग रहा है कि ये रोक क्यों रहे हैं यहाँ पे आके, ये चीज हमें थोड़ा और लगता है कि ये हो क्या रहा है। नहीं, यही तो सामाजिक ताना बाना है, तो आपने ये करने की कोशिश की, अब हम लोग रुके, हम भी यही किया, लोग ऐसे और लोग भी रुकेंगे, लोग समझेंगे, और यही नहीं सोच, लोग स्कूल के बच्चे लफंडर कुछ कर रहे होंगे, यही सबके आता, हमारे लिए भी था, बट आपने जो कर रहे हैं, तो यहाँ पर चार लोग यार स्कूल के बच्चे भी ये कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है, मैं आप सबको अप्रिशिएट करना चाहूंगा। वेरी गुड, बहुत ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं अभी यहाँ का छात्र रह चुका हूँ, यहाँ पे मैंने भी यहीं से ग्रेजुएशन किया एक्चुअली, इसलिए थैंक यू सो मच। चलो वापस आते टाइम मिलेंगे, ठीक है भाई, जय हिंद। हमारी यूथ सुधर रही है, और सच में ये समाज में जो बदलाव लेके आते हैं, ये हमारे नौजवान लोग हैं जो कि समाज को बदलना चाह रहे हैं और बदल के रहेंगे।
समय के हिसाब से परिस्थितियां बदलती हैं और कोरोना काल की वजह से इस समय जैसे प्रभात फेरी होते थे, जैसे कि सारे बच्चे स्कूल के बच्चे जाते थे, सड़कों पर नारे लगाते थे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस बार लेकिन ऐसा हुआ कि जो कुछ छात्र संगठन थे जिन्होंने कि इस बार आइसोलेट होकर, चाहे उन्होंने छोटे छोटे ग्रुप बना के ध्वजारोहण किया, और ये बहुत ही एक अच्छा अवसर था सब लोगों को दिखाने के लिए, अपनी देशभक्ति को दिखाने के लिए। ऐसी हमारी मुलाकात काफ़ी सारे ग्रुप्स के बच्चों से हुई, तो उनमें से कुछ ये बच्चे भी थे। आप सब स्टूडेंट ही हैं? स्टूडेंट ही हैं। आपने खुद से सब कर रहे हैं? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप सब बच्चे मिलके, और ये सब चीज कर रहे हैं, बहुत। ये आशीष चमोली है। नमस्कार भाई, हमारा नाम सुनकर चैनल है यूट्यूब यार, आशीष चमोली के नाम से। हाँ जी, सुना होगा आपने। चलो बढ़िया, मैं तो इसलिए आई मैंने देखने के लिए यार, कैसे काम कर रहे हो आप लोग। मैं कोई नई चीज बोल रही अपने यूथ के लिए, अपने समाज के, सोसाइटी के लिए। हाँ, कुछ भी बात बोल सकते हो, तो आप अपनी बात रख सकते हैं, कोई भी कुछ भी यार, एनीथिंग, जो भी मिले यूथ के लिए कुछ अच्छा होगा। ये चीज है, भारत माता के जय, भारत माता के जय। बहुत बढ़िया, चलो हमेशा आप लोग खुश हो यार, अपना ख्याल रखना अपना, ठीक है भाई जी। हाँ ले लिया फोटो। हैप्पी बर्थडे पापा को, छोटा सेलिब्रेशन, थोड़ा सा और खिला दो बस। चलो भाई, सब लोग अपने तरफ से। दादी के जाने के बाद से हम लोग कोई बड़ा सेलिब्रेशन नहीं कर सकते हैं, बट हल्का फुल्का सिर्फ एक फैमिली तक सीमित बहुत छोटा सेलिब्रेशन हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोगों ने, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पापा का बर्थडे था, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा बहुत हम लोग हल्का फुल्का सेलिब्रेशन कर लेते हैं, बट बहुत ही एक छोटा सा सेलिब्रेशन हम लोगों ने किया। ये बढ़िया है। सेलिब्रेशन, यह बढ़िया, गुड। जाओ भाई अंकल, चलो जाओ भाई, जाओ तुम भी जाओ। लो अंकल जी, मेरा चॉकलेट वाले। बढ़िया बर्थडे, बढ़िया, थैंक यू थैंक यू। तुम कहाँ भाग रहे हो भाई? वो तो क्या, मेरा, मैं तो पूरा नाम ना। अच्छा, सुभाष नींबू के पेड़ पे पानी डालने के लिए, तो मिठानी दीदी है, उनके घर से होते हुए जाएंगे हम लोग वहाँ पे। अच्छा, ये झपट्टा मार दिए भाई, तेरी थीम तो झपट्टा मारे कमरे पे। ओ बेबी आ जा, शेर का बच्चा आ गया। तो आपसे एक छुटकू सा प्रश्न पूछता हूँ, आप ये देख रहे हैं सामने की तरफ, तो ये है एक छोटी सी छिपकली, और इसको गढ़वाली में क्या बोलते हैं आप लोग जरूर बताना। बाकी बॉबी ने प्रोनाउंस किया, आई थिंक आप देखना।